नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एक तरफ जहां दिल्ली से खबरें निकल के सामने आ रही है कि कभी भी अफीम पॉलिसी 2024-25 का ऐलान हो सकता है, उसकी घोषणा हो सकती है, इसे हम बात करें तो दूसरी तरफ लगातार जो अफीम किसान हैं वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे हम बात करें तो एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि मालवा मेवाड़ के हजारों किसान दिल्ली कूच करेंगे, 25 तारीख को धरना प्रदर्शन है, इस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है। आज दिल्ली के लिए हजारों किसान रवाना होंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह किसानों की मांग, प्रमुख मांगे है कि सीपीएच पद्धति को खत्म किया जाए जड़ से, और जो लूनी चीनी जो सालों से पद्धति चली आ रही है उसी को लागू किया जाए। साथ ही अफीम के भाव बढ़ाने को लेकर भी जो है किसान चाहते हैं उसका भाव भी बढ़े, और साथ ही अगर बात करें तो जो NDPS की धारा है उसको भी समाप्त की जाए। साथ ही सबसे बड़ी मांग किसानों की ये है कि जब कोई कार्रवाई होती है पुलिस विभाग या जांच एजेंसियों के द्वारा, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बताया जाता है अफीम का, वो मूल्य भी किसानों को उस एवरेज में दिया जाए, इस तरह की मांग किसानों की है। जिस तरह लगातार जो अफीम किसान संगठन है वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम भी बार बार कह रहे हैं जो किसानों की प्रमुख मांगे हैं वह जायज मांगे हैं, और सांसदों को वित्त मंत्री के सामने इन मांगों को रखना चाहिए और प्रमुखता से ये मांगे लागू करानी चाहिए। जो आने वाली पॉलिसी है उसमें ये लिखी होनी चाहिए, तमाम मांगे जो किसानों की वो मांगे होनी चाहिए। इस तरह की बात हम बार बार कह रहे हैं, और जिस तरह की लगातार खबरें निकल के सामने आ रही है कि आने वाली पॉलिसी कभी भी जारी हो सकती है, ऐसे में दिल्ली में एक बार फिर अफीम किसानों का बड़ा प्रदर्शन है।